आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। इस खबर के प्रायोजक हैं। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं, वो निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया। लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। मान गए। किसे? आपकी पारखी नजर और निर्मा सुपर दोनों को। अब निर्मा सुपर, धुलाई का सुपर दाम, दाम फिर भी कम। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में आज से 18 वर्ष पूर्व एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ था, जिसे हम कुदरत का करिश्मा या भगवान का स्वरूप कह सकते हैं। पैदा हुए बालक के दो पैर, चार हाथ व दो सिर हैं, जिसे देखने हमारे ही देश के लोग नहीं बल्कि विदेश से भी इस अद्भुत बालक को देखने आते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बलौदा बाजार जिला से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित खैंदा खा गांव लवन का, जहां दो बच्चे 21/12/2001 को जुड़ा हुआ पैदा हुआ था, जो कि कुदरत का करिश्मा है, जिसके कमर के नीचे वाला भाग है पर कमर के ऊपर दो इंसान हैं, दो पेट, चार हाथ, दो सर, मतलब दो चेहरा है। उनका चलना भी अजीब है, दो हाथ और पैर से चलते हैं, तब एक हिस्सा आराम करता है। खाना एक साथ खाते हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत है। वैसे तो इन्हें देखने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर सर्जन आए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ तक जर्मनी से भी आए, सभी ने मदद के नाम से केवल आश्वासन ही दिए, किसी ने इनकी मदद नहीं की। अब इनके माता पिता इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। ऐसे में इन बालकों को शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे यह परिवार उपेक्षा का शिकार महसूस कर रहे हैं। वहीं एक का नाम शिवनाथ है तो दूसरे का नाम शिवराम है। दोनों बालक कक्षा 6वीं तक ही पढ़ाई कर पाए और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, किंतु उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आगे पढ़ाई पूरा नहीं होने का कारण पूछा गया तो दोनों बालकों ने बताया कि जब वे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उन्हें देखने बाहर से लोग सीधा स्कूल पहुंच जाते थे, जिनसे वहां पढ़ने वाले दूसरे बच्चों को परेशानी होते थे। दोनों बच्चे पढ़ाई करना तो चाहता है पर मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों और उनके परिजनों का मांग है कि उन्हें आगे घर में ही शिक्षा मिल जाए तो दोनों की पढ़ाई पूरी की जा सकती है। शिवनाथ और शिवराम जर्मनी, नंदन, बंगलोर और दिल्ली से और हैदराबाद से, इमन सब कहे हैं कि आपका बच्चा का कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं मिला है। उमन कही से कि पेंशन वगैरह कुछ भी आपको हम देंगे, हम मदद करेंगे, लेकिन ये सब चीज कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बच्चे लोग का ये हमारे उद्देश्य है कि मतलब कुछ मिलना चाहिए, पेंशन वगैरह। मैं तो किया हूँ, वही जो उन लोग आए थे उन लोग से मैं किया हूँ, लेकिन आज तक मेरा कुछ मिला भी नहीं। क्या बोलते हैं? आते हैं पत्रकार, ये मैं बोलता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं मिलता है, मैं ये सब भाषण वगैरह नहीं दूंगा। जो हमारे बच्चे है हमारे लिए है और व्यक्ति के लिए नहीं है। अरे जो भी मैं पाल रहा हूँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, मैं मजदूरी करके मैं उन लोग को मैं पाला हूँ और मजदूरी मैं करता हूँ, मैं तो गरीब आदमी, हमारे पास कुछ भी नहीं है।